आज पठानकोट नगर निगम के मेयर की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें पठानकोट के सभी भाजपा पार्षद उपस्थित हुए और उनके साथ शहर के डिप्टी मेयर वीना परमार भी उपस्थित रहे। मेयर ने बताया कि उनकी ओर से शहर को साफ पानी और सीवरेज को लेकर पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में गर्मी के मौसम में लोगों को पानी की जरूरत को पूरा किया जा सके। और कहा कि कांग्रेस को चाहिए कि वह भी हमारे साथ मिलकर काम करें और ओछी राजनीति ना करें। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों कांग्रेस के एमएलए अमित विज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पठानकोट में आ रही पानी और सीवरेज की समस्या को लेकर बातचीत की गई थी। विधायक ने कहा था कि भाजपा के मेयर शहर की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसको लेकर आज मेयर अनिल वासुदेव द्वारा पलटवार किया गया। पठानकोट की जनता ने असेंबली की है कि पिछली सरकार के समय नरेंद्र भाई मोदी के बड़े सार्थक सहयोग के कारण पठानकोट अमृत शहर घोषित होया सी और ये 100 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया सी। उसी स्कीम के अंदर पठानकोट नगर निगम ने अपने प्रयासों के नाल 7.25 करोड़ की स्कीम पहले अप्रूव करवाई सी, जिसके 15 ट्यूबवैल लगने से, ओवरहेड टैंक्स की रिपेयर होनी सी, 7 किलोमीटर लंबी पानी की पाइप रिप्लेस होनी सी और असी 8 ट्यूबवैल का टेंडर करवा पाए थे। ट्यूबवैल लगने भी शुरू हो गए थे और उन्होंने बिजली का कनैक्शन नहीं सी होया और लगभग 1.25 साल के बाद नगर निगम ने लगभग 1.5 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड में जमा करवा के कनैक्शन अप्लाई करवाए है और ट्यूबवैल हूँ चलन लिए तैयार है। और मैं बड़ी प्रसन्नता हैगी है कि इसी महीने ये 8 से 8 ट्यूबवैल जरा बड़ी जल्दी बहुत ही जल्दी जो है पठानकोट शहर में अपनी सेवावान देनिया शुरू कर देंगे। इस तो अलावा जो 7 ट्यूबवैल से वह टेंडर भी सीवरेज बोर्ड ने अप्रूव करके सरकार में भेजा है, वो फॉर्मैलिटीज होने के बाद भी 7 ट्यूबवैलों का भी टेंडर लग जाएगा। इस तो पहले असी 3 ट्यूबवैल लगा चुके हैं, DPR की अप्रूवल पेंडिंग पई है और नवी सरकार के अज लगभग 1.5 साल होने के बाद भी वो हली तक नहीं होगी। जागती लड़के लिए पठानकोट से लवप्रीत सिंह की रिपोर्ट।